पापेट तहसील सागर जिला सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ और यहाँ जम्मू कश्मीर नौशेरा क्षेत्र में भगवान रामनवमी के जन्मोत्सव में यहाँ भाग लेने आए हैं। हमारे साथ जगदम्बा खाड़ा भी आया है और राम जन्मोत्सव पर ये हमारा भाग है जो हमको यहाँ आने का अवसर मिला। हम लोग वहाँ से 34 लोग आए और हमारे बाबा जी श्री राम फलदास जी महाराज जी साथ में आए हैं। क्या साथ जाते हो आप, क्या बजाओगे आज? हम लोग अपना अखाड़ा प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर, हाँ जो है गाजवाज के साथ, हाँ लेजम चलाने, इसको लेजम बोलते हैं अखाड़ा, उसको हम लोग आगे आगे झांकी के आगे आगे खेलेंगे।
धार्मिक कार्य में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में भगवान राम प्रकट हुए थे, तब से परंपरा चलती आई है, तब से इस रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इस रामनवमी में उत्सव भगवान चक्रवर्ती राजा दशरथ ने ये परंपरा चलाई थी, तब से कई युगों से ये प्रथम चलता आया और आज भगवान प्रकट हुए हैं। नगर परिक्रमा होगी, पूरे शहर से घूम कर आएंगे और हमारे कलाकार हम्पी से आए भगवान के उत्सव मनाने के लिए, और सब लोगों को मेरा आशीर्वाद और सब लोगों को स्वागत अभिनंदन करते हैं इस रामनवमी पर्व पर। ठाकुर द्वारा की एक बहुत कलाकारों ने सजाया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, कब इसकी जो मूर्तियां जो है कब इसका द्वार खोला जाएगा लोगों के लिए? हाँ, जो तो 5 मई से हमारी मूर्ति स्थापना का उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन इस कोरोना काल के बीच इसको आगे किया गया। 3-4 महीने 5-6 महीने लगेंगे, उसके बाद बहुत भव्य प्रोग्राम होगा, पूरी स्टेट यहाँ जुड़ेगी, बहुत भव्य प्रोग्राम होगा। अब लोगों को किस तरीके का मैसेज देंगे कि आप यहाँ पे आज झांकी में जो हम लोग उमड़ के आए, सब लोगों को हमारा अभिनंदन करते हैं कि सब लोग भगवान के उत्सव में आए। भगवान के उत्सव में आना, भगवान के उत्सव में चलना, भगवान प्रकट होते हैं वो समझो कि भगवान के साथ चलना है हमने। यहाँ भगवान इस दिन में इस समय भगवान प्रकट होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं, भगवान नीचे आते हैं इस उत्सव में, और समझो कि आप लोग भगवान के साथ चल रहे हैं, इंसान के साथ नहीं भगवान के साथ चल रहे हैं। आप सब लोगों को निवेदन है मेरा कि सब लोग भगवान के उत्सव में शामिल होए, भगवान के उत्सव में शामिल होना और भगवान के साथ चलना, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के साथ चलने का समय मिला आपको, आप सब लोगों को, आप सब लोग मिलकर भगवान के उत्सव में चलें।